हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर जो है कृषि विज्ञान केंद्र केवीके, ठीक है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के यहाँ पर इसके जो नारायणपुर के जो केंद्र है इसमें यहाँ पर संविदा भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। अभी इसमें जितने भी जिलों में इसके जो केंद्र है कृषि विज्ञान केंद्र, उसमें वैकेंसी यहाँ पर निकाला गया है लगातार। तो इसमें अब दो प्रकार तीन प्रकार की वैकेंसीज है। पहला जो है असिस्टेंट ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 2 के लिए और वृत्ति के लिए, ठीक है। वेतन आपका रहेगा, एक मुश्त वेतन देख सकते हैं, 23,350 रुपये असिस्टेंट ग्रेड के लिए और 14,400 रुपये जो है वृत्ति के लिए, ठीक है। इस प्रकार से टोटल यहाँ पर 3 पद रिक्त हैं इस नारायणपुर कृषि विज्ञान केंद्र में, जिसके लिए आपको नियुक्ति हेतु वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र केरलापाल नारायणपुर छत्तीसगढ़ को संबोधित करते हुए आपको स्पीड पोस्ट या नॉर्मल डाक या पंजीकृत डाक के माध्यम से आपको 11 मार्च 2023 2024 तक को शाम को 5 बजे तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना अनिवार्य है और रोजगार कार्यालय से जीवित पंजीयन होना चाहिए। और इसमें जो कुल पद है वो देख सकते हैं, यहाँ पर कुल 3 पद है जो कि पूर्ण रूप से संविदा के रूप में रहेगा। योग्यता जो है 5वीं पास, नृत्य के लिए 5वीं पास, और इसके लिए आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन, ठीक है, नॉर्मल ग्रेजुएशन। साथ में इसमें क्या होना चाहिए आपका, कंप्यूटर कंप्यूटर कोर्स या प्रोग्रामिंग या फिर आपने PGDCA वगैरह किया होगा तो इसके लिए आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। वेतन वगैरह बता दिया। संविदा जो है 3 वर्ष के लिए रहेगा। योग्यता यहाँ पर दिया गया है जो पिछले वीडियो में बताया था उसी प्रकार से। इसके लिए बाकी रोजगार कर रहे, जीवित पंजीयन, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र, आवेदन करने का अंतिम तिथि यहाँ पर 11 मार्च रखा गया है। आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए तो आप इसके लिए यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। सहायक ग्रेड 2 के लिए जो वैकेंसी है इसमें सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड जो भी कर्मचारी हैं छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा किसी भी विभाग से हो, वो 70 वर्ष की आयु तक वो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और आवेदन करने के लिए जो यहाँ पर फीस रखा गया है वो आपको अनारक्षित यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दोनों के लिए यहाँ पर 300 रुपये यहाँ पर पेमेंट करने होंगे और 200 रुपये जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, जो कि पूर्ण रूप से यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाकर आपको इस पे जमा करने होंगे, ठीक है। जैसा कि दिया गया है पता रहेगा वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र केरलापाल नारायणपुर के नाम से आपको आवेदन देने होंगे, ठीक है। उसी प्रकार से इसका अवधि जो है 1 वर्ष का रहेगा जो कि 2 बार बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष कुल मिलाकर 3 वर्ष रह सकता है, ठीक है। इसके बाद जो भी है प्रक्रिया आगे आपको रेगुलर किया जाएगा या क्या वो आगे पता चलेगा, ठीक है। कोई भी TAD अन्य भत्ते आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए जो है मेरिट जो भी है पात्र की जो सूची है वो आपको 15 मार्च को यहाँ पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जारी किया जाएगा, ठीक है, जो कि दावा पत्र 7 दिनों के अंदर कर सकते हैं। इसका जो PDF है ऑफिशियल वेबसाइट में आपको मिल जाएगा या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको PDF मिल जाएगा और अन्य जानकारी भी आपको इसमें नोटिफिकेशन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।